हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे ट्रैवल टू ट्रांसफॉर्म। मैं और राहुल, और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि मैंने अभी अपने जिक्सर की एक मेजर सर्विस कराई थी 20,000 किलोमीटर के बाद, जो सेवेंथ सर्विस था। तो उसमें काफ़ी कुछ मैंने चेंज कराया, चूँकि मुझे अभी आगे एक बड़े राइड पर निकलना है। तो मैंने कुछ चेंज कराए थे पार्ट्स, तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या क्या पार्ट्स आपने चेंज कराया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट मैंने चेंज कराया था वो है चैन स्पॉकेट। उसके बाद मैंने चेंज कराया है अपना फ्रंट का फॉक ऑयल सील, और उसमें ऑयल, जो फॉक ऑयल है वो रिप्लेस हुआ, जो कि ऑब्वियस है, ऑयल सील रिप्लेस होगी तो आपका ऑयल भी रिप्लेस करना चाहिए। और उसके बाद मेरा जो हैंडल का जो वो बेयरिंग होता है, वो लेसर बोलते हैं आई थिंक, वो चेंज हुआ है। ये तीन मेजर चीज़ जो थी चेंज हुई है। और फ्रंट का डिस्क पैड मैंने फर्स्ट टाइम चेंज कराया 20,000 किलोमीटर के बाद। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल कि क्या अमाउंट मैंने पेड किया है इन सारे सर्विस को रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें, कि ये है बॉल बेयरिंग नंबर 1, 2 बॉल स्टेयरिंग। ये प्राइस यहाँ पे अमाउंट कम रहता है, फिर टैक्स जोड़ के टोटल अमाउंट आता है। और फ्रंट स्पॉकेट, चैन असेंबली, ऑयल सील, और कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, स्पॉकेट, रियर स्पॉकेट, फॉर्क ऑयल। तो टोटल मैंने पेड किया है 3165। और इसके बाद मैंने फिर सर्विस कराई थी अपनी बाइक की, सेवेंथ पेड सर्विस। तो ये 3200 अराउंड इसमें चेंज हुआ है, फॉर्क ऑयल सील, बॉल बेयरिंग, चैन इस पॉकेट और फ्रंट का डिस्क पैड। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेरी गाड़ी कब सर्विस कराई थी मैंने। ये 20,068 किलोमीटर यानी 20,000 के बाद मैंने ये चेंज कराया था। ये लास्ट सर्विस ड्यू आप इग्नोर करिएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 16/8 को, मतलब लास्ट मंथ ही मैंने चेंज कराई है। तो इसको साइड रखते हैं, फिर मैं आपको सर्विस का दिखाता हूँ। ये जो मेरी जनरल सर्विस हुई थी, पहले 250 थी, अब 300 हो गई है। और मैंने अपनी बैटरी चार्ज कराई थी, उसका 50 रुपीज़ लगा था, तो 415। ये सेवेंथ पेड सर्विस थी, ये अभी मैंने 20,230 पे कराई थी। और फिर उस दिन ऑयल नहीं था इनके पास स्टॉक में, तो फिर दोबारा मैंने जाके इंजन ऑयल चेंज कराया था, तो उसमें मुझे 415 रुपीज़ पेड करना पड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 830-840 रुपीज़ सर्विस का लगा था। तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये 4,000 रुपीज़ हो जाएगा। और कुछ और मिसलेनियस भी थे, तो इन सबको मैं साइड करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिक्सर के जो 20,000 के बाद आपको क्या क्या पार्ट्स चेंज कराने पड़ेंगे। तो जो मेजर पार्ट्स चेंज कराने होंगे आपको वो है इसका चैन स्प्रॉकेट, यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, वो है इसका चैन, जो कि अराउंड आपको 1500 रुपीज़ आएगा विथ लेबर कॉस्ट। उसके बाद, और ये टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, आप किस तरह से अपने चैन को मेंटेन रखते हैं। अगर आप अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो ये कॉस्टिंग आपकी और घट या बढ़ भी सकती है। अगर आप अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो चैन और ज़्यादा भी चल सकती है। आपको हैंडल का बोलेसर, वो समथिंग अराउंड उसमें आपको 700 लगेगा, सारे में लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है, उसे इग्नोर करिएगा, एक्चुअली नॉइज़ नहीं है, वो शंख बज रहा है, पूजा हो रही है, तो गणपति की, आप सभी को गणपति पूजा की हार्दिक बधाई। तो आगे बढ़ते हैं, फ्रंट फ्रंट का जो डिस्क पैड है, डिस्क पैड जो है वो समथिंग 500 रुपीज़ का आएगा। इसके बाद जो ऑयल ऑयल सील है, उसमें आपको समथिंग 600 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे। तो ये टोटल कॉस्टिंग आती है 15,700, 2,200, 5,27 और 6, 3,300, 3,200, 3,300 रुपीज़ के समथिंग। इसके बाद जो आपको चेंज कराना होगा वो है आपका टायर्स,
अब आप टायर्स को या तो सर्विस कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि पैसा उसके भी आप ही को पेड करना है, इसलिए मैंने उसे इसमें इंक्लूड किया है। तो जो फ्रंट और रियर दोनों जो टायर्स हैं वो समथिंग अराउंड 5,000 रुपीज़ का आता है फॉर बोथ, तो 5,000 का ये हो जाएगा। इन सब के बाद आपको जो जनरल सर्विस होगी उसमें 1,000 रुपीज़ आपको लग जाएगा। जनरल सर्विस जैसे कि मैंने आपको दिखाया 1,000 रुपीज़, तो 5,000, 6,000 और ये समथिंग 3,200, 3,300, मतलब अराउंड 9,000 to 10,000 आपका सर्विस कॉस्ट आने वाला है जिक्सर पे 20,000 किलोमीटर के बाद। अगर आप उसमें टायर्स को हटा दें तो 5,000 रुपीज़ सर्विस कॉस्ट आएगा। और इसका मेजर यही सारी चीज़ें चेंज कराई हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने पिछला अपना ब्रेक शू चेंज कराया था 16,000 किलोमीटर पे, जो कि जिसका मुझे समथिंग अराउंड 500 पेड करना पड़ा था। अगर आपके रियर डिस्क वेरियंट है तो उसके लिए आपको 1,500 समथिंग पेड करना होगा। उसका ब्रेक पैड रियर का काफ़ी कॉस्टली है। और मैंने एक बार एक स्पार्क प्लग चेंज कराए हैं। और जो जनरल सर्विस हो रही है, मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी मेंटेन रखता हूँ। और ये चैन स्पॉकेट जो 20,000 किलोमीटर चली है, इसे आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। चूंकि मैं टूर करता हूँ तो कभी कई बार मुझे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता चैन को साफ रख पाना हर समय, क्योंकि मैं लद्दाख सिक्किम ऐसे इंटरनल एरियाज में जाता हूँ तो वहाँ नहीं पॉसिबल हो पाता है उसे साफ रख पाना। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे रखते हैं। तो बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था। जिक्सर काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है और आप उसे कैसे रखते हैं टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो ये टोटल समथिंग आपको 10,000 रुपीज़ आफ्टर 20,000 किलोमीटर आपको देने होंगे। अगर आप टायर को इसमें से रिमूव कर दें 5,000 टायर के लिए, तो आपको 5,000 रुपीज़ सर्विस कॉस्ट आएगा। लेकिन मैंने टायर का इसलिए ऐड किया है क्योंकि टायर को भी आप ही ने चेंज कराना है, तो उसे भी बताना ज़रूरी था। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली थी, तो चलिए देख के आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आगे राइड वीडियोस लाने वाला हूँ काफ़ी, और काफ़ी सारे रिव्यूज़ वीडियोस भी आने वाले हैं क्योंकि राइड के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज की हैं। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल गाइस। तब तक के लिए गुड बाय।